हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रेट बिलारा टेक में। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटा दबाना ना भूले, ताकि हमारे हर आने वाली नई नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। तो चलते हैं, आज हम बात करने वाले जामुन जी के बारे में, जो कि त्रेता युग में भगवान श्री राम के साथ रहे थे। जामुन भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे, जिन्हें हमेशा अमर होने का वरदान प्राप्त था। उनका जन्म सतयुग काल में हुआ था। वह द्वापर युग के अंत तक वे जीवित रहे थे। जामवंत जन्म से ही अत्यधिक बुद्धिमान व शक्तिशाली थे। अपनी बुद्धि के बल पर ही उन्होंने अनेक महारथियों को परास्त कर दिया था। मुख्यतः त्रेता युग में उन्होंने भगवान श्री राम की बहुत सहायता की थी। उन्हें अलग अलग भाषाओं में कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि वो इस प्रकार है: जामवंत, 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 जामवंता, जाम्बवान, शंभुवन इत्यादि नामों से पुकारा जाता था। आज हम उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। चूंकि जामवंत जी भगवान परशुराम व हनुमान जी की भांति अमर थे, इसलिए उनका योगदान भी कई युगों तक रहा। साथ ही उन्होंने भगवान विष्णु के कई अवतारों को धरती पर जन्म लेते हुए व अपना कार्य करते हुए देखा। उनकी मुख्य भूमिका त्रेता युग में भगवान राम के समय रही, वह एक छोटी भूमिका द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के समय भी रही। आज हम दोनों युगों में उनके योगदान को जानेंगे। जब भगवान विष्णु ने त्रेता युग में अयोध्या नगरी में महाराजा दशरथ के घर जन्म लिया, तब उनका मुख्य उद्देश्य पापी रावण का अंत करना था, जो कि लंका का राजा था। इसके कारण उन्होंने 14 वर्षों का कठिन वनवास भोगा। वह माता सीता को रावण द्वारा अपहरण करवाया था। जब भगवान श्री राम माता सीता की खोज में वानर राज सुग्रीव से मिले, तो जामवंत की सुग्रीव के मंत्री के रूप में भगवान श्री राम से भेंट हुई। तब से उन्होंने भगवान राम की हर विपत्ति में अपनी बुद्धिमता से सहायता की। जब वानर सैनिकों का एक दल दक्षिण दिशा में माता सीता की खोज में निकला, तब उसमें हनुमान, जाम्बवन, अंगद, नल व नीर थे। जब वे समुद्र किनारे पहुंचे, तब वहां से आगे जाना असंभव था। इस समय केवल हनुमान व जाम्बवन ही थे जो समुद्र पार कर उस ओर जा सकते थे। चूंकि जाम्बवन जी अब बूढ़े हो चुके थे, इसलिए वे समुद्र लांघने में असमर्थ थे। उन्होंने हनुमान जी को अपनी शक्ति याद दिलाई, जिन्हें बचपन में एक श्राप के कारण भूल चुके थे। जामवंत के द्वारा ही याद दिलाने पर हनुमान जी को अपनी शक्तियां वापस मिली तथा माता सीता को खोजने में सफल रहे। इसके अलावा भी जामवंत जी अब भगवान राम व रावण के युद्ध के समय योजना बनाने, कोई विपत्ति आने पर उसका हल निकालने जैसे इत्यादि कार्य किया करते थे। जामवंत की बुद्धिमता के कारण ही भगवान विष्णु के अवतार श्री राम को बहुत सहायता मिली। द्वापर युग में जामवंत का योगदान। एक बार जब श्री कृष्ण के ऊपर सामंतक मणि के चोरी होने का मिथ्या आरोप लगे, तो उन्होंने उसकी खोज प्रारंभ कर दी। वह मणि जामवंत के पास थी, जो एक गुफा में रहते थे। जब भगवान श्री कृष्ण को इसके बारे में पता चला, तो उनका जामवंत से भीष्म युद्ध हुआ। ये युद्ध कई दिनों तक चला, जिसमें अंत में जामवंत जी की पराजय हुई। भगवान ब्रह्मा के पुत्र होने व स्वयं को मिले वरदान के कारण जामवंत जी किसी से हार नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें आश्चर्य हुआ कि वह कैसे एक मानव द्वारा हारे हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से उनका परिचय जाना व अपना असली अवतार दिखाने को कहा। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि वे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, वह राम अवतार के बाद ये उनका अगला जन्म है। ये सुनकर जामवंत जी को अपने किए हुए पर बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण को अंतिम बार भगवान राम के रूप में ही दर्शन देने का अनुरोध किया। श्री कृष्ण ने उनका यह अनुरोध स्वीकार किया व उन्हें त्रेता युग के भगवान श्री राम के दर्शन कराए। इसके बाद जामवंत जी ने उन्हें वह मणि लौटा दी व अपनी पुत्री जामवंती के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा। श्री कृष्ण ने उनका यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया व उनकी पुत्री जामवंती के साथ विवाह किया। इसके बाद जामवंत जी ने मोक्ष प्राप्त किया। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी, तो बताना आप कमेंट के माध्यम से। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।